यहाँ पर फूड रिव्यू देता है। बहुत हमने इधर का नाम सुना था तो हमने सोचा कि हम इधर का विजिट करें और इधर का फूड रिव्यू दें। तो भाई यहाँ का टेस्ट कैसा है, हम यहाँ का फूड का ना रिव्यू करते हैं और आपको भी बता दें। बनने जा रहा है फ्रैग एंड फ्राई के अंदर रैप एरिया, क्योंकि रैप का एक टू सर्विंग का प्लेटर है। इसकी सर्विंग टू सर्व के हिसाब से होती है। इसकी मेकिंग जो है वो टॉटला ब्रेड के ऊपर है। फर्स्ट वन की जो लेयर है वो फ्राइज की लेयर, देन सेकंड वन आ रही है हमारी लेटस फ्राइज जो कि बेक हुए हैं। इसकी रैप एरिया की खास बात है कि इसके अंदर चिकन यूज़ की जाती है, वो भी ऑयल फ्री होती है। इसके अंदर बहुत जूसी चिकन यूज़ किया जाता है और इसमें तीन ब्रेस्ट यूज़ किए जाते हैं, टेंडर ब्रेस्ट। एंड सेकेंड वन इसमें आ रहा है हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ चिकन बलोक का स्लाइस। चिकन का जो थर्ड पंच आ रहा है इसका, वो सॉसेज है चिकन के हर्ब के फ्लेवर वाले। इसका फ्लेवर जो होने वाला है रैप को बिल्कुल ही जूसी होने वाला है। कोई भी चिकन इसका हार्ड यूज नहीं है। इनफैक्ट जो टेंडर ब्रेस्ट है वो भी इतना सॉफ्ट है। इसके अंदर का जो रस है वो इसको स्टीमिंग दे रहा है। एरिया के अंदर रेड शर्ट यूज़ की जाती है टू स्पाइसेस और जो इसके पूरे रैप को कवर कर देती है। इस रैप को जो मेन कंसर्न है वो इसकी सॉस यानी स्मोकी बारबेक्यू और इसके जो मीट है उसको एनहांस करना। कलर ऑफ रैप इज डायनामाइट सॉस। ये माइल्ड स्पाइस फ्लेवर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये आपकी होममेड होते सो प्रोडक्शन सारी सॉस की हमारी अपनी होती है, होममेड नहीं, हमारा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है। ये अब क्या डाला आपने? ये बेजल की टॉपिंग है। ये इसके फ्लेवर को एक लेवल अप करती है, उसका फ्रेग्रेंस देता है आपको बिल्कुल स्मोकी देती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ। ये फ्लेवर एक्सेल में माइल्ड है, बट अगर आप इसके टेस्ट बड्स पे स्पाइस लगाना चाह रहे हो तो आपको ये रेड हॉट सॉस मिल जाएगी हमारी, जो कि स्पाइस के फ्लेवर को डेवलप कर देगी। ओके, ये ऑप्शन अलाइज है। अगर आप नॉन स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप इसको नॉन स्पाइस फ्लेवर में भी असेंबल करवा सकते हैं। प्रोडक्शन और प्रायोरिटी आपकी अपनी होती है। इसको एक सेकेंड वन टॉर्टिला से कवर कर दिया गया ताकि जब आप एक मील को ट्राई करना चाहें तो आप इसको टू सर्व टू पीसेस एंड फोर पीसेस को ऑप्शनलाइज कर सकते हैं। अभी हमारा रैपिड एरिया जा रहा है ग्रिल के प्रोसेस पर। मैक्सिमम 2 मिनट से ग्रेट टाइम है। इससे ग्रिल के पास जो टॉर्टिला है वो अपर लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों क्रंची हो जाएंगे। वन साइड पर जो हमारा मीट है वो बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट। 2 मिनट में रेडी हो जाएगा ये? जी, मैक्सिमम 2 मिनट से इसकी प्रोडक्शन कम्प्लीट हो जाएगी। हमारा जो लोकेशन है वो हुसैनाबाद मेन पुलिस की दो स्पॉट्स हैं, कराची लिंक के बिल्कुल अपोजिट है और एक कराची लिंक के बराबर। टाइमिंग हमारी 5 to 5 है। इसमें आपको डेल्टा है और ठीक है दोनों सर्विस मिल सकते हैं। डिलीवरी हमारी नियर बाय डेटी होगी 5 to 5। ये देख लीजिए, ये इनका मेन्यू कार्ड है जो हम आपको शो करा रहे हैं। इनका मेन्यू कार्ड है रेडी हो गया जी। इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सही, ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है ये ऑर्डर। अब हम आपको उसका रिव्यू देंगे, फूड रिव्यू कि कितने मज़ेदार सा है ये देखेंगे। काफ़ी मज़ेदार सा है ये हमारा। ये देखिए, जब हम खाने जा रहे हैं इसको और हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। जी तो भाई, हमने ये खाया है, बहुत मज़ेदार सा है काफ़ी और बहुत ज़्यादा जूसी सा है, क्रीमी सा है और इसमें ना जो चिकन है ना वो बहुत क्रंची क्रंची चिकन आएगी इसमें और चिप्स वगैरह भी इसमें डली हुई है। काफ़ी मज़ेदार सा है, क्रीमी सा है, जूसी सा है। तो भाई, हमने यहाँ का फूड रिव्यू करा है, हमें तो बहुत पसंद आया है। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी, जब भी आप हुसैनाबाद आएँ या आप यहाँ रहते हैं तो ज़रूर यहाँ का विज़िट करिएगा और हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो वीडियो का हम एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना।
वीडियो आप तक।